वार्म वेलकम टू बकरे वालों की बातें यूट्यूब चैनल। आज हम डिलाइट के पीछे आपको दुकान पता होगी जहां पर पत्ती वगैरह मिलती है, जो चना चोकर वगैरह मिलता है। और हमें आज मोहम्मद याकूब एंड सन्स, जिसको कार्ड चाहिए मैं कार्ड भी दे दूंगा और यहां से आप एड्रेस भी ले सकते हैं, मोहम्मद याकूब एंड सन्स, ठीक है। डिलाइट के पीछे ये दुकान है, आप अगर बकरे पालते होंगे तो आपको अंदाजा हो गया होगा किस लोकेशन पे। अभी गोदाम में चलते हैं याकूब एंड सन्स की, और यहाँ पर हम पत्ती वगैरह देखेंगे, पत्ती किस दाम की है, चना चोकर किस टाइप का है, किस क्वालिटी का है। तो जनाब मुझे पहले पत्ती दिखाइएगा आप अपने पास, कौन सी पत्ती है, थोड़ा सा पीछे रखना इसे, थोड़ा सा ऐसे उठाना, हाँ इसे, ठीक है। अभी ये बताओ ये फिल्टर कौन सी है, ये डबल फिल्टर है। डबल फिल्टर है, इससे ज्यादा भी कोई फिल्टर आता है, सिर्फ डबल ही है, डबल फिल्टर आता है, बिल्कुल साफ पत्ती है, बिल्कुल साफ पत्ती है। थोड़ा सा और इसे हाथ से इधर उधर करना, हाँ। तो भाई अभी कितना स्टॉक है अपने पास, 90 बोरी है। 90 बोरी है। होलसेल करते हो या रिटेल भी करते हो? होलसेल करते हैं, रिटेल भी करते हैं, ठीक है। तो भाई मुझे ये बताओ, अगर पब्लिक को चाहिए हो पुरानी दिल्ली में या दिल्ली से बाहर, तो क्या किलो पड़ जाएगा भाईन, क्या किलो पड़ जाएगी पत्ती? होलसेल रेट में ही आपको 40 रूपए पड़ेगा। होलसेल रेट में 40 रूपए किलो। अगर और कोई खुली जैसे 10-15 किलो 20 किलो मांगने लगेगा तो वो उसका रेट अलग होगा या 40 ही रखोगे आप? 40 ही मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बोरी को खुलवा करके फटवा करके देखते हैं कहीं नीचे या बीच में कूड़ी मट्टी तो नहीं है, तो वो क्या आप कर सकते हो ऐसा या नहीं? जी बिल्कुल कर जाएगा, बिल्कुल कर देंगे आप, ठीक है। दुकान से आप वाकिफ होंगे और यहाँ पर आके देख लीजिएगा आप। पत्ती वगैरह मैंने आपको खुला रेट ओपन प्राइस दे दिया 40 रूपए। जैसे कि दिल्ली में अभी, दिल्ली क्या ऑल ओवर इंडिया पत्ती की रेट जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा था। तो अभी भाई हम ऊपर चलते हैं, पत्ती तो हमने देख ली, अभी आप क्या क्या दिखाने वाले ऊपर मुझे ये बता दो। छिलका चोकर, चलो चलो ऊपर चलते हैं, ठीक है। पहले जॉ देखते हैं, ये साफ है जॉ, ये भी ये क्या रुपए किलो पड़ेगा? 40 रुपए किलो पड़ेगा, ठीक है। चना ले लेते हैं, टूटा हुआ चना, ये क्या रुपए किलो पड़ेगा? 50 रुपए किलो। ये फाइनल नाम बता रहा हो या कुछ कमी हो जाएगी इसमें? हो जाएगी थोड़ी बहुत ना, ठीक है। अभी गेहूं लेते हैं, गेहूं ये क्या किलो पड़ेगा? 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 30 रुपीज, ठीक है। और अभी चलते हैं, चने का छिलका क्या रुपए किलो है? कितना होलसेल में? 29 रुपए लग जाएगा। होलसेल में 29 रुपए किलो, और वैसे लेंगे तो 30 रुपए किलो, ठीक है। इसके अलावा अब साबुत चना देखते हैं, ये चना A1 क्वालिटी में क्या रुपए किलो पड़ेगा? 59 रुपए, यानी 59 रुपए पड़ जाएगा यार, ठीक है। इसके अलावा और क्या, ये क्या पड़ा है? ये ज्वार है, ज्वार। ज्वार दिखाना, कैसी होती है ज्वार? ये किस काम में आती है, बकरों को खिलाते हैं या भैंसों को? बकरों को खिलाते हैं, ठीक है। ये क्या किलो पड़ेगी? 34 रुपए, ठीक है। अब मक्का की तरफ आते हैं, दो टाइप की मक्का रखी है ना इधर, ठीक है। पहले ये कौन सी मक्का है? ये 40 वाली है, छोटी वाली मक्का, 40 वाली छोटी, 40 रुपए किलो पड़ेगी ना, ठीक है। और बड़ी वाली मक्का लेते हैं अभी, बड़ी वाली मक्का ये क्या रुपए किलो? 35 रुपए किलो है, 35 रुपए किलो। अभी ये जो चूरा है मक्का का, ये भी 40 रुपए किलो। तो ये अलग अलग कैसे हैं तीनों, कोई इसकी वजह? ये छोटी मक्का उत्तर भी इसको खाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और बाजरा क्या किलो चल रहा है? बाजरा कबूतरों के लिए, जो कबूतर वगैरह पालते हैं, बाजरे का क्या रेट है? 35 रुपए, ठीक है। और कुछ भी है अभी अपने पास दिखाने के लिए तो बताओ क्या है? अच्छा, ये बाजरे में भी क्वालिटी है, 30 रुपए वाला, ठीक है, ठीक है। और कुछ है इसके अलावा अभी अपने पास? और ये क्या चोकर?
गया था। ये क्या किलो है छोकर? 25 रुपए। 25 रुपए किलो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग आपको बकरों से रिलेटेड, कबूतरों से रिलेटेड सारा आपको यहाँ पे सामान मिल जाएगा। तो आप शॉप पर आकर विजिट कर सकते हैं। ओपन रेट्स मैंने आपको बिल्कुल दे दिए हैं। यहाँ पर इस स्टॉक में आपको मिल जाएगा एक बोरी, दो बोरी, 50 बोरी, आपको सब यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हो कॉल कर लीजिएगा, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कार्ड मैंने वीडियो में दिया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहां से आगे पत्ती ले सकते हैं। 40 रुपए बता दिया है आपको रेट इसके अलावा, लेकिन आप फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी होगा ओनर यहां पे आपको करवा देंगे, जो भी बेस्ट से बेस्ट होगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूंगा इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।